तो आज हम बात कर रहे हैं वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग की कोर्स के ऊपर, और मिस्टर समीर जी ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन है मेरे साथ। समीर जी, जैसे कि मैं पहले भी आपको वेलकम और थैंक्स कर चुका हूँ हमारी इस क्लास में, और सबसे पहले आपकी मैं प्रॉब्लम को समझा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप कितना पहले से जानते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने जाना। अब मैं अपनी कोर्स के बारे में समझाता हूँ। देखिए, कोर्स की डिटेल जानने के लिए आपको वहीं पे जाना होगा जहाँ पे आपने डेमो क्लास का फॉर्म भरा था, iptindia.com। अब मेरे पास दो तरह की कोर्स अवेलेबल है, एक लाइव सेशन, जैसे अब जूम के थ्रू अभी हमारे साथ जो लाइव ले रहे हैं ये सेशन है, इसमें एक दो बच्चे बैच में होते हैं और हम आपके साथ लाइव कनेक्ट करते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम को सुनते हैं, उसी समय ट्रिगर भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइव सेशन में एक तरह और भी होती है, जैसे कि आपको 200-300 बच्चों के साथ पढ़ा दिया, बस वो बता रहा है, आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनेगा, आपने चैट कर लिया और चैट देखा तो बताएगा, अदरवाइज नहीं बताएगा। हाँ, बराबर है। बट यहाँ हमारे पास नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सपर्ट लेवल की क्लास होती है, इसलिए हम यहाँ पे आपको 1 से 3 का ही बैच साइज लेके चलते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो लाइव क्लासेस होगी हमारी, दूसरा होता है वीडियो क्लासेस। आप अगर आपके पास टाइम की प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम और डे पे ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि लाइव मैं भी तो उसमें रहूं। आपने मान लीजिए कभी ज्वाइन कर लिया, मैं था ही नहीं वहां पे, मुझे पता नहीं है कि आप इसमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि सिस्टम जनरेटेड क्लास तो है नहीं, ये तो लाइव सेशन है। तो उस केस में आप हमारी वीडियो क्लासेस ले सकते हैं। तो दो तरह की कोर्सेज है, एक हमारा लाइव सेशन, दूसरा हमारा वीडियो सेशन। ठीक है, तो अगर हम लाइव क्लासेस पे हम बात करते हैं, क्योंकि हम लाइव क्लासेस ही आपको करना है, तो लाइव क्लासेस पे हम आते हैं, तो हमारा ये प्रोग्राम है वीवी माइक्रो रिपोर्ट ऑटोमेशन, राइट? इसकी पहले इसको जान लेते हैं कि इसके जो मेन पार्ट है, इसमें सबसे पहला आपका माइक्रो प्रोग्रामिंग, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग, फंक्शन क्रिएशन, यूजर फॉर्म एंड अदर एप्लीकेशन कनेक्टिविटी के साथ कंप्लीट इसको कराया जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसमें भी दो तरह के कोर्सेज हैं। पहला कोर्स है हमारा जो एक्सपर्ट लेवल की क्लासेज है, जिसको आपको 45 to 50 आवर्स देने पड़ेंगे, मतलब कि 45 to 50 क्लासेज लेके मान के चलिए। हर क्लासेज जो है 1 घंटे के आसपास की होगी। अब 1 घंटे जरूरी नहीं क्लास 1 घंटा की हो, आपकी क्लासेज 45 मिनट की हो सकती है, 30 मिनट्स की हो सकती है, और आपकी क्लास 1.5 घंटे की भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है टॉपिक पे और आपके क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए मुझे लूप पढ़ाना था, मैंने आपको लूप पढ़ा दिया, राइट? आपने कोई सवाल पूछा ही नहीं तो जल्दी खत्म हो जाएगा, आपने बहुत सारे सवाल पूछ दिए तो टाइम लगेगा। तो ये आपकी मंडे टू फ्राइडे आपकी 1 आवर की क्लासेज होती है। इसमें भी 14 पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं, बेसिक माइक्रो प्रोग्रामिंग, अप्लीकेशन कंडीशंस, लूप्स, इवेंट माइक्रो, वीवी माइक्रो फंक्शंस क्रिएशन, एडवांस फॉर्मूलाज, चार्टिंग, पिवट, यूजर फॉर्म, पिक्चर्स ऑटोमेशन, एसक्यूएल क्वेरी इन वीवीए, डेटाबेस कनेक्टिविटीज, क्यूरी ऑटोमेशन, रिपोर्ट ऑटोमेशन एंड डैशबोर्ड, राइट? क्लासेस की, हर क्लास की वीडियोज आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा क्लास के बाद। अच्छा, नोट्स मिलेगा, पीडीएफ बुक्स मिलेगा, आर्टिकल्स मिलेंगे, और साथ में मिलता है फ्री रीज्वाइनिंग। अब फ्री रीज्वाइनिंग क्या है जान लीजिए। अब जैसे कि मैंने 45 to 50 आवर्स की क्लासेस दी, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसा कि आपने बताया कि अगर मैं इसको यूटिलाइज नहीं करूँगा तो फिर मैं भूल जाऊँगा, जाहिर सी बात है, अभी आपके यूज में है तो अब यूज कर रहे हैं, सडनली यूज खत्म हो गया तो भूल जाएंगे। फिर कुछ दिन बाद फिर वापस यूज आ जाएगा, तो फिर अपने आप को रिफ्रेश करना होगा आपको। तो रिफ्रेश करने के लिए दो ऑप्शन होंगे आपके पास। पहली, जो मैंने हर क्लास की वीडियोज आपको प्रोवाइड की, उससे कर सकते हैं। आपको लगा कि बहुत ही भूल गए हैं, बहुत ही भूल गए हैं आपको पूरा है चाहिए, तो हमारी रीज्वाइनिंग ले सकते हैं। रीज्वाइनिंग में क्या होगा कि आपको मेरी कोई भी रनिंग बैच, जिसमें किसी मान लो आपकी को मैं कोई क्लासेस दे रहा हूँ, आपके साथ मेरा कोई पुराना स्टूडेंट आ गया, तो मेरा कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं ना हो रहा है, वो आए ना आए आपको तो मुझे ट्रेनिंग देनी है। तो इसी तर्क पे हमारा जो है रीज्वाइनिंग फ्री होता है, कि आप कभी भी, हमारा कोई भी स्टूडेंट कभी भी मेरी किसी रनिंग बैच में आके अपने कोर्स को रिकम्प्लीट कर सकता है। अच्छा, अब वो कब तक रीज्वाइनिंग रहेगा और कितना बार कर सकता है, इसका हमने कोई लिमिटेशन नहीं बनाया हुआ है। कुछ बच्चे पूछ देते हैं, सर कब तक वो ये फैसिलिटी रहेगी, तो अब इसका कोई लिमिटेशन हमने बनाया नहीं है। अगर इसकी कंप्लीट कोर्स को देखना चाहे तो डाउनलोड पीडीएफ डिटेल में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको मेरे कोर्स के पूरी कंप्लीट मिल जाएगी कि क्या क्या इसमें कवर है। और ये जो चीज़ें हम दे रहे हैं, ये हमारा मिनिमम है, नॉट ए मैक्सिमम, मिनिमम है। इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड करना चाहो तो
तो आप ऐड कर सकते हो, अच्छा ठीक है। ठीक है। अगर कुछ ऐसा चीजें हैं जो वीवीए से वीवीए के ही रिलेट करती है और मैंने नहीं डाला हुआ है, तो आप इंक्लूड कर सकते हो। साथ में आप जैसे यहाँ पे क्या है, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, तो अगर आपके ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हुआ तो आप जो है इसमें डाल सकते हो, क्योंकि मुझे कोने कोई अच्छा, टॉपिक तो चाहिए चाहिए, तो मैं आप ही का टॉपिक ले एग्जैक्टली लूँगा। exactly. हाँ अब इसकी टाइमिंग तो इसकी 2 महीने के आसपास लेके चलिए कि लगेगा आपको, अगर रेगुलर क्लासेस अच्छा होती है, छुट्टियाँ नहीं होती है तो। और इसकी फीस आपको 10,000 लगेगी। ओके अब इसी के रिकॉर्डेड क्लास में आते हैं, तो उसके लिए आपको मैं ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप आईओएस पे ओके भी है और आपका इस पे भी है, एंड्रॉयड पे भी है, ये मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। या फिर अगर ऐप डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको करना पड़ेगा app.iptindia.com। ये किस लिए ऐप है? ये मोबाइल रिकॉर्डेड क्लासेस की, अच्छा मोबाइल रिकॉर्डेड क्लास. हाँ, तो app.iptindia.com पे जाएंगे तो इसके स्टोर में जाते हैं। इस पे भी फैसिलिटी है कि आप यहाँ से चैट फंक्शन है, तो मुझे कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, कुछ भी बात करना अच्छा बात कर सकते हैं। ओके ओके स्टोर में आते हैं तो स्टोर में मेरे बहुत सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे, जहाँ से मेरे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। जैसे वीवी ओके की बात हुई तो सेम कोर्स यहाँ अवेलेबल है रिकॉर्डेड में। ओके रिकॉर्डेड में 114 वीडियो जिसके अंदर अवेलेबल है, 10 साल की अच्छा वैलिडिटीज है, अच्छा यहाँ ले सकते हैं आप। अब वीडियोज की आप ओके देखेंगे तो वीडियोज की साइज ऐसा नहीं है कि 10 मिनट 5 मिनट की वीडियोज आप देखेंगे तो सब आपके लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, 48 मिनट, 49 मिनट, 57 मिनट, 1 घंटा, दिख रहा है आपको। तो वीडियोज जो है हमारा लॉन्ग लेंथ में है, ये आपका इसमें कुछ पुराने वीडियोज भी है और कुछ अपडेटेड वीडियोज भी है, देख रहे हैं अपडेटेड वीडियोज है। तो इसमें अपडेट होते रहता है, जब भी कोई नया फीचर्स, कुछ ऐसी नई चीज़ मैंने देखा जो इससे पहले किसी को नहीं पढ़ाया, वो इसमें हम अपडेट कर देते हैं। अच्छा ये रिकॉर्डेड वीडियो का जी हाँ, ऑप्शन बता ये रहे हैं? रिकॉर्डेड अच्छा वीडियोस का, रिकॉर्डेड का है। इसमें और भी ओके बहुत अच्छा, सारे कोर्सेज हैं जहाँ पे आप जाके ले सकते हैं, कंप्लीट कोर्स भी है, पावर बीआई और भी इसमें है। आपसे इंटरेक्शन भी होगा अगर कोई क्वेश्चन है हाँ, या कुछ, क्वेश्चन हो तो मतलब चैट पे डाल दीजिएगा चैट या पे फिर डाल मेरे दें? या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें आपको तुरंत रिप्लाई का मैं गारंटी नहीं अच्छा देता। अगर आपके साथ क्लास रहा हूँ, मेरा मोबाइल पर मैसेज आ रहा है, अब क्लास छोड़कर आपका मैसेज थोड़ी देखूंगा मैं, जी मैं जब फ्री होऊंगा सारे मैसेज को देखूंगा एंड रिप्लाई यस करूंगा, अच्छा ठीक है। ओके ओके तो अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं, आप रिकॉर्डेड में तो जाएंगे या लाइव में जाएंगे। जी, तो जैसे आपने बोला लाइव क्लास है, और अगर लाइव क्लास में कोई पुराना स्टूडेंट भी अटेंड कर रहा है, तो आप मुझे कंसेप्ट से पढ़ा रहे हो, मेरे वही चलेगा क्वेश्चन ले जो, रहे हो, हाँ पर अगर वो भी बीच में आके उसी के क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दे, अगर सर क्वेश्चन वो उसके बारे में पूछेगा, देखिए अच्छा मेरे पास जो भी स्टूडेंट आएगा सारे का हाँ सारे वॉकिंग, हम फ्रेशर को नहीं पढ़ाते, तो अच्छा उसके क्वेश्चन भी एक ऑफिशियल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा ना सर, अच्छा तो वो भी तो अच्छा आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटी हुआ ना सर। अगर उसने कुछ यूनिक क्वेश्चन पूछ दिया तो एक यूनिक टॉपिक तो पढ़ने को मिल गया आपको, हो सकता है कि वो आपकी यूज का हो। लेकिन मुझे समझ भी आएगा अगर वो मतलब कभी मैंने तो यूज क्वेश्चन किया जब नहीं। देखिए जब वो क्वेश्चन अच्छा पूछेगा तो दो चीज़ें हैं, अगर वो क्वेश्चन पूछेगा टॉपिक से रिलेटेड ही, आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन हाँ पूछेगा तो मैं बोलूँगा मैं आपको बाद में बताऊँगा। आप भी मुझसे ओके अगर मान लीजिए मैं आपको लूप पढ़ा रहा हूँ और आपने पूछ दिया हाँ डेटा कनेक्टिविटी का क्वेश्चन, तो अब मैं हाँ आपको लूप पढ़ाना छोड़ के डेटा कनेक्टिविटी में थोड़ी बताऊंगा, हाँ मैं आपको बराबर बोलूंगा कि समझ में आ गया। आप बोलूंगा कि आप वेट कीजिए, जब टॉपिक आएगी तो पढ़ा दूंगा, या फिर आपको अर्जेंट है तो कोई वीडियो रिकमेंड कर दूंगा आपको मैं, समझ गया ना। समझ गया। तो आउट ऑफ द टॉपिक कोई किसी भी सवाल हो तो कोई क्लास शुरू होने से पहले पूछ लीजिए, क्लास खत्म होने के बाद पूछ लीजिए अगर आपको अर्जेंट है तो। अगर वो टॉपिक छोटी मोटी है अभी बता सकता हूँ तो मैं बता दूंगा, टॉपिक ऐसा है जो कि टाइम कंज्यूम करने वाला है तो मैं उसके लिए कोई वीडियो रिकमेंड कर दूंगा, या फिर टाइम ले लूँगा मैं एक उसके लिए स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। अच्छा अब यूट्यूब और पे ये बहुत सारे वीडियोज लाइव, मैं डालता हूँ इसी तरह के। हाँ वही देखा है मैंने, और ये लाइव में वीकडे पे ही होता है 1 घंटा की, वीकेंड पे भी आप कोई देखिए मतलब आप आ रहे सैटरडे वीकेंड से ले सकते हैं या फिर वीकडे ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ले क्योंकि सकते हैं। हाँ क्योंकि ये देखो अभी टाइम डिफरेंस तो है हाँ अभी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी माफ़ कीजिए इंटरप्ट कर रहा हूँ, हाँ मैं हाँ वीकेंड्स के लिए आपको सलाह नहीं दूंगा, ओके क्योंकि सर क्या है ना, क्योंकि ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम नहीं है कि आपको बस अटेंडेंस लगानी है और एग्ज़ाम दे के बड़ा सर्टिफिकेट लेना है।
आपको लेना है नॉलेज, क्योंकि इसको आपको अपने यस कंपनी में अपने काम में यूटिलाइज करना है। ओके तो इसको आपको सीखना होगा, एक तसल्ली से सीखना होगा। अगर वीकेंड्स में ज्वाइन करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी, एक तो आपको आपका जो है 7 डेज का गैप हो जाएगा, समझ रहे हैं? आप प्रैक्टिस भी आप सैटरडे संडे ही करेंगे, अब क्लास मंडे टू फ्राइडे नहीं लेते हैं तो प्रैक्टिस भी सैटरडे संडे ही लेंगे। क्लास आपको जो है बहुत होगा 2 घंटा, आप 2 घंटा में स्पीडली बहुत सारे टॉपिक पढ़ लेंगे आप, क्योंकि मुझे भी टाइम मैनेज करना पड़ेगा ना, मुझे भी अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा ना, तो स्पीडली पढ़ाऊंगा मैं आपको, पहली चीज। दूसरी चीज कि मान लीजिए कि बीच में छुट्टी गैप हो गई, मान लीजिए कोई वीकेंड आपके यहाँ फंक्शन है, पार्टी है, या दोस्त कलीज कहीं भी जाना पड़ गया, या मुझे मेरी तबीयत खराब हो गई मुझे जाना पड़ गया, तो सर एक दिन की क्लास अगर छुट्टी है, मतलब कि एक वीकेंड छुटता है, तो 15 डेज का गैप हो जाएगा। आपको लग रहा है 15 डेज में पहले ही आपने क्या पढ़ा था याद रहेगा आपको सर? दिक्कत है ना सर? तो वीकेंड इज द लास्ट ऑप्शन, ओके, लेकिन मैं टाइम डिफरेंस है इसलिए मैं मॉर्निंग 5 AM टू नाइट के 11 PM तक पढ़ाता हूँ सर। ओके इस बीच में कोई 1 घंटे का बैच जो आपके टाइम सुटेबल हो तो मिल ही सकता है। हाँ बिल्कुल, अभी तो अराउंड 5.5 घंटे आगे हूँ मैं। हाँ तो आप तो, आफ्टरनून में ले सकते हैं, आप ऑफिस से आके खाना वाना खा के आराम से बैठ के ले सकते हैं। हाँ अभी अभी तो मान लीजिए अभी तो 11 बजे 11:30 के आसपास आपके होगा नाइट। हाँ अभी 11:30 है, अभी अगर कोई सीजन चेंज हो जाता है तो 1 घंटा और आगे चला हाँ, जाता तो है फिर भी। आप जो है 5 PM जो है 5 PM का टाइम ले सकते हैं, तो 5 हाँ, आपके लिए 10 होगा, 10 आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ आराम से खा पी के नीचे धो के बैठ के कर हाँ सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं। हाँ तो ये देखिए डेली ज़्यादा मत लीजिए, डेली आप 30 मिनट्स ही लीजिए, 30 मिनट डेली आपका वीकेंड्स की क्लास से 2 घंटे से बेटर होगा। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप डेली आप अपने ऑफिस की प्रॉब्लम शेयर करेंगे, डेली आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नया चीज डेली सीखेंगे, डेली इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? तो मेरी सजेशन यही है, बाकी आपका डिसीजन है, मेरी सजेशन यही है कि आप मंडे टू फ्राइडे ही चले, आप भले ही क्लास पूरा 45 मिनट 1 घंटा ना ले, आप थोड़ा ही टाइम ले तो सही रहेगा। अब आप बात करते हैं VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट पे, समझे? सबसे पहले चीज को जानिए कि VBA है क्या, हालांकि आप इसी तो जानते हैं बट थ्योरिकल पार्ट को थोड़ा समझते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। अब याद रखिएगा कोई VV नहीं है, VV6 या VV स्टूडियो नहीं है सर, VV स्टूडियो नहीं है, मतलब इससे कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं बना सकते, कोई exe फाइल नहीं बना सकते। VVA क्या करेगा, ये आपका एक्सेल या एमएस ऑफिस, एक्सेल ही नहीं, एमएस ऑफिस ही नहीं चलता है, एमएस ऑफिस के अंदर जो है ये इम्प्लीमेंट करता है, समझ गए? एमएस ऑफिस के अंदर ये इम्प्लीमेंट करता है, ओके ठीक है या तो एमएस ऑफिस में बनाते क्या है इसके लिए, तो 3 चीज़ें बनती है, पहला है हमारा माइक्रोज, दूसरा है फंक्शन और तीसरा है यूजर फॉर्म, ठीक है? ये 3 चीज़ें हम बनाते हैं। माइक्रोज को हम इसको ऑटो पायलट कह सकते हैं, जैसे कोई रिपोर्ट आपको बना रहे हैं, अब इस रिपोर्ट बनाने में 50 स्टेप्स हैं, 20 कंडीशंस हैं, आपने 50 स्टेप और 20 कंडीशंस को आपने कोड कर दिया, नेक्स्ट टाइम रन करते ही वो 50 स्टेप और 20 कंडीशन को फॉलो कर देगा, वो भी कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स में। तो कहने मतलब है कि आपका काम ऑटोमेट कर देगा, वो खुद करके दे देगा। फंक्शन मतलब कि आप जो है माइक्रोज के लिए या अपने एक्सेल के लिए खुद के फॉर्मूलेज क्रिएट कर, जैसे मान लीजिए वी लुकअप फॉर्मूला है, इसकी लिमिटेशन है ना सर कि रिपीटेड वैल्यू को लुकअप नहीं करता है, लेफ्ट टू राइट ही लुकअप करता है, क्या एक ही डेटा पे लुकअप करेगा, मल्टीपल डेटा पे लुकअप नहीं करता है। तो आप अपने लिए अपना एक फॉर्मूला बना सकते हो जो कि आपकी कंडीशन को फुलफिल करता हो। यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म बात होता है इंटरफेस के, जैसे मान लीजिए कि हमने इस पर क्लिक किया तो मुझे पॉपअप आया है ना सर, इसमें जो जो चीज है चॉइस करके हमने ओके कर दिया वो इम्प्लीमेंट हो गया।
तो आपको ही कुछ इसी तरह कुछ बनाना है। जैसे मान लीजिए आपने एक रिपोर्ट के लिए 20 इनपुट लेने होते हैं कि कौन सा सिटी, कौन सा मंथ, कौन से कैंडिडेट वगैरह वगैरह। तो 20 इनपुट लेने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना, एक यूजर इंटरफेस चाहिए ना सर, जहाँ पे हम क्लिक करें और ओके करें तो आ जाए। तो यूजर फॉर्म का यूज इस चीज़ के लिए होता है। तो माइक्रोज आपका ऑटोमेशन या ऑटो पायलट कर लीजिए, फंक्शंस आपके लिए नया फॉर्मूला क्रिएट करता है जो कि माइक्रोज और एक्सेल दोनों भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यूजर फॉर्म एक पॉपअप बना के देता है जिससे आप अपना यूजर का इंटरफेस तैयार कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इसमें? नहीं, कोई डाउट नहीं। अब माइक्रोज की बात करते हैं, अब इसको दो छोड़ते हैं माइक्रोज। तो माइक्रोज जो है, जो हम बनाते हैं, सबसे पहले इस चीज को जानिए कि हम किसके लिए बनाएंगे। देखिए माइक्रोज का यूज दो चीजों के लिए होता है, रिपीटेड जॉब एंड लेंथी जॉब। रिपीटेड इट मींस ऐसा काम जो बार बार आ रहा है। अब मान लीजिए ना कि सिंपल सा एक काम आया जिसको आप पिवट टेबल से 10 मिनट में या 5 मिनट में कर सकते थे, इन फ्यूचर में आया ना आए क्या कोई गारंटी नहीं है। अब उसके लिए प्रोग्रामिंग करोगे तो बेवकूफ़ी होगा ना सर, क्योंकि प्रोग्रामिंग ईजी तो नहीं है कि आप 2 मिनट प्रोग्राम कर दोगे। आपको पता है कि नॉर्मल में कर लूँगा, मैनुअल कर लूँगा तो 5 मिनट में हो जाएगा, तो खाम खा प्रोग्रामिंग करके टाइम वेस्ट क्यों करोगे आप, राइट? तो रिपीटेड जॉब में होता है। दूसरा लेंदी जॉब, जैसे कोई काम मिला हुआ है आपको एक ही बार है लेकिन इतना लेंदी है कि करते करते शाम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ना कि आपको मेल करने का मिला है कि आपको 100 लोगों को एक, 200 लोगों को या 500 लोगों को एक इनविटेशन मेल करना है, या वो यूज करता हूँ मैं फिलहाल जॉब में। हाँ, तो वन बाय वन सबको इनवाइट करना आपको, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीसीसी में डाल के भेज देते हैं, तो बीसीसी वाला स्पैम में चला जाता है। या फिर मान लीजिए सबका अलग अलग कोई, जैसे कि आपके क्लाइंट्स हैं, सब क्लाइंट्स का उनका अलग अलग कुछ मैटर है, तो अलग अलग मैटर से एक सेम मैटर है नहीं, तो बीसीसी में डाल नहीं पाओगे। तो उसके लिए आप माइक्रो क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आप मैनुअल करोगे तो फिर 500 मेल कंपोज करना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जॉब है ना सर, और गलती भी हो सकती है, किसी को किसी का मेल किसी को जा सकता है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं माइक्रोज को। दूसरा, किसके लिए? देखिए मेरा सजेशन है कि ऐसे फाइल जो कि पब्लिकली ट्रेवल हो रही है, जैसे मान लीजिए कि एक फाइल आपने बनाया जो 200 लोगों को भेजनी है आपको मेल, या 50 लोगों को भेजनी है, ऐसे फाइल पे माइक्रो लगाना मैं बोलूँगा अवॉइड कीजिए। क्यों? क्योंकि माइक्रो का सिक्योरिटी जो होता है बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। तो अगर आप 200 लोगों को भेजेंगे तो 200 का 200 माइक्रो फैमिली तो है नहीं, माइक्रो को जान रहे होंगे, ऐसी कोई गारंटी तो नहीं है ना सर। उसे बहुत सारे सेल्स वाले बंदे होंगे जो सिस्टम बस काम लाइक चलाते हैं, तो जैसे ही फाइल खुलेंगे उसको सिक्योरिटी अलर्ट दिखेगा माइक्रो अनेबल करने का, तो सीधे फाइल क्लोज करेगा, बोले यार इसमें वायरस वायरस है, सिस्टम में वायरस घुस जाएगा, फोन करके बोलेगा यार तूने फाइल भेजी तो वायरस है, और तो फिर होते वायरस सिक्योरिटी वार्निंग दे रहा है, फिर आपको समझाओगे यार वो माइक्रो लगा हुआ है, हमने कोडिंग किया हुआ है, अनेबल कर लो थोड़ा सा, कहाँ से करना है कैसे करना है ये सब एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा उसको। तो 50 लोगों में से अगर 20 लोगों ने फोन कर लिया तो एक सरदर्दी होगी ना सर। तो ऐसी चीजों के लिए मैं बोलूंगा अवॉइड कीजिए, ठीक है? अगर आप फाइल, ऐसे फाइल जिसमें आप खुद के लिए कर रहे हैं या फिर ऐसे लोगों के लिए कर रहे हैं जो माइक्रो को अच्छे तरह से जानते हैं, तो जितना मर्जी उतना धड़ल्ले से माइक्रो यूज की, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? या तो इस चीज़ को समझ गए कि माइक्रोज होता क्या है, कैसे यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है। जैसे अभी जॉब पे भी यूज कर रहा हूँ तो जो जो डेटा जो आ रहा है हमेशा मेरे लिए, जो रॉ डेटा है उस डेटा को क्लीन करना है, फॉर्मेट करना है, उससे अलग अलग रिपोर्ट्स बनानी है स्प्लिट करके, उसके लिए माइक्रोज मैंने जो एग्जिस्टिंग था उसको काफी चेंज किया है रिक्वायरमेंट की तरह, लेकिन वो डेटा जो आ रहा है रॉ वो वैसा का मोटा मोटी वैसे ही है, वो चेंज नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैक्रोस जो लंबा चौड़ा इतना सारा लिखा है वो जैसे आपने बोला 50 to 60 स्टेप वही रन होते हैं। एक आधा इधर उधर मैंने चेंज कर लिया लेकिन मोर ऑर लेस वो काम मैक्रो का वही है, तो वैसे रिपोर्ट्स